हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि UPPCL कैंपस असिस्टेंट का पेपर होने वाला है, इससे रिलेटेड क्या मेरे पास क्वेरीज आ रही है कि सर कट ऑफ कितना जाएगा। ठीक है, तो कट ऑफ के लिए कोई सियोरिटी नहीं होती कितनी कट ऑफ जाएगी, इस पर मैं बात भी नहीं करूँगा। ये होता है कि अगर आपकी एक्यूरेसी और नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं तो समझ लीजिए डेफिनेटली हो जाएगा। ठीक है, अब उनका क्या पैमाना है ये मेरे को मालूम भी नहीं है, तो कट ऑफ पे मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ। ये मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर इस तरीके से आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करा, इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपने सही करे हैं, तो डेफिनेटली आप मान लीजिए हो जाएगा। तो ये कट ऑफ के लिए नहीं है, मैं आपको एक चीज़ लास्ट टाइम ये बता दे रहा हूँ कि किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहले जो कैंप असिस्टेंट में जो आपका आने वाला है, ठीक है, सामान्य अध्ययन रहेगा, 25 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, 25 अंक का होगा, ठीक, पहली बात। दूसरा तार्किक ज्ञान जो होगा, रीजनिंग 45 क्वेश्चन, 45 नंबर का होगा। हिंदी 65 क्वेश्चन, 65 अंक के होंगे, ठीक है। अच्छा, अंग्रेजी 65 क्वेश्चन होंगे और 65 अंक के होंगे, ठीक है। टोटल हो गया 200 नंबर का ये पेपर हो गया, ठीक। अब आपको करना क्या है, देखिए, ये मेरी तरीके, मैं अपनी तरीके से बता रहा हूँ कि आपको इस तरीके से अटेम्प्ट करना है। बाकी किसने क्या अटेम्प्ट करा है, किस तरीके से अटेम्प्ट करा है, वो उसका स्ट्रैटेजी, ये मेरी स्ट्रैटेजी वो उसका होगा, ठीक। तो अब ये जो सामान्य अध्ययन पे जो क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन आएंगे, देखिए बहुत अच्छा बंदा होगा तो पूरे में से पूरे तो नहीं सही करेगा, उसका मिनिमम हो सकता है 18 या 20 के आसपास पहुंच जाए, या तो 18 सही कर लेगा या 20, ठीक है। 25 में से 4-5 आदमी के गलत होते हैं, ठीक। तो ये हो गया आपका GS का सेक्शन। फिर बात करते हैं रीजनिंग के, तो रीजनिंग में हो सकता बहुत अच्छा जो पढ़ने में होगा तो उसका हो सकता 45 सही भी हो जाए, ठीक है। और जो ऑन एवरेज, मैं एवरेज के लिए बता रहा हूँ, ऑन एवरेज जो बंदे होंगे उनके 35 क्वेश्चन तो सही होने चाहिए, मिनिमम 35, ठीक है, मैक्सिमम आप 40 पहुँच जाइए, ठीक है। ये मैं दो तरीके से कर दे रहा हूँ, ये देखिए 20 क्वेश्चन इसमें आपको सही कर लेने हैं, ठीक है, मतलब 18 या 20 आप जो भी आप सही कर लो, ठीक है, और इसमें 35 से 40, ठीक है, या 35 कर लो या 40, ठीक। अच्छा, अब बात करते हैं हिंदी में, तो हिंदी में भी यही है कि 65 क्वेश्चन है इसमें, मिनिमम जो होना चाहिए 55 तो आप सही कर लीजिए, मैक्सिमम आप 60 तक पहुंच सकते हैं, ठीक है, ये आप डिपेंड है कि आपने कैसे तैयारी करी है। तो ये हो गया 55 क्वेश्चन, इसको एवरेज ले लिया मैंने। अब बात करते हैं अंग्रेजी में, तो अंग्रेजी में मैंने 65 क्वेश्चन है, इसमें भी ऑन एवरेज कितना है, मिनिमम 55 मैंने माना है, आप 65 तक, 55 है, आप 60 तक कर लीजिए, ठीक है, 62 तक कर लीजिए, ये आप पे डिपेंड है, तो मिनिमम आपका 55 तो होना चाहिए। इन टोटल को हम अगर ऐड करेंगे, सम अप करेंगे, तो 163 नंबर तो आपके आने ही चाहिए, ठीक। प्लस कंप्यूटर में जो 50 अंक का होना है उसमें 20 अंक लाना अनिवार्य है, मैंडेटरी है, इससे कम लाएंगे तो आप फेल हो जाएंगे। पता चला आपने यहाँ पे 180 स्कोर कर लिया और यहाँ पे आपने 17 ही क्वेश्चन सही करा तो फेल हो जाएंगे। तो कंप्यूटर पे ध्यान जरूर रखिएगा, मिनिमम तो आपको 20 लाने हैं, 20 के प्लस जाने हैं, ठीक है, कम से कम 30 या मतलब 25 के आसपास आप सही कर लीजिएगा ताकि आप बच जाएं। अब ये क्या है, 163 सेफ पॉइंट, मैंने ये इतना बता दिया कि 163 तो आपको लाने ही है, ठीक, इससे ऊपर आप बढ़ सकते हैं, इससे नीचे नहीं जाइएगा, ठीक है। ये आप देख लीजिए कि 163 आपको किसी भी हालात में क्या है कि आपको जितना भी आपने पढ़ा है उसको रिवीजन करके आपको इतना लाना है। बाकी रही कट ऑफ की, तो कट ऑफ हो सकता हो 110 चली जाए, ठीक है, 120 हो जाए, 150 हो जाए, तो उसके लिए मैं नहीं हूँ। मेरे अकॉर्डिंग आप इतना मार्क्स ले आइए, देखिए ना हमने ज़्यादा रखा ना कम रखा है, जो ज़्यादा पढ़ने वाला होगा वो 20 के ऊपर चला जाएगा, इसमें भी मैंने 45 में मैंने 35 रखा है तो हो सकता है उसमें भी ऊपर चला जाए, 40 चला जाए, 42 चले जाए, ठीक है, इसमें 65 में मैं 55 रखा हूँ तो हो सकता 60 हो जाए, ठीक, इसमें भी 65 55 रखा हो उसका भी 60 या 62 जो भी हो जाए, ये मैंने मिनिमम रखा है, मिनिमम, ठीक है, मैक्सिमम आप कितने भी ले आएगी, इस अकॉर्डिंग अगर आपने पेपर दिया तो डेफिनेटली मान लीजिए हो जाएगा। तो ये पूरा मैंने आपको बता दिया, बाकी आप कट ऑफ के चक्कर में ना परेशान होइए, कट ऑफ से रिलेटेड कोई डाउट ना दिमाग में रखिए, जितना हो सके उतना रिवीजन और स्कोर करने की कोशिश करिए, बाकी कोई भी रिलेटेड कोई डाउट होगा तो वो मैं सभी बताऊँगा। बाकी जो भी मेरे पास मतलब इससे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होगी इससे रिलेटेड वो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा, ठीक है दोस्तों। तो यही था मेरा वीडियो बनाने का मेन मोटिव, तो इससे रिलेटेड कोई डाउट होगा तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।